भी कमा सकते हैं घर बैठे बैठे 20 से 30 हजार रुपए तक बेहद आसानी से, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे। अभी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए और डाउनलोड कीजिए मीशो ऐप को। इस ऐप के प्रोडक्ट को आप व्हाट्सएप एंड फेसबुक के जरिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, उस पर अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं और अपने लिए अर्निंग आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसेस बेहद ईजी है, फिर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उससे जाकर के इस ऐप को चलाना सीख सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और डाउनलोड कीजिए मीशो ऐप और अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब, मुझसे शेयर करना। मैं एकदम ठीक हूँ अभी और कोई दिक्कत नहीं है। आज का व्लॉग, आज संडे है, मैं बहुत शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम कितना हो रहा है, 7 बज रहा है, आप ये सोच लो। थोड़ी देर पहले ही मैं लाइव होकर के हटी हूँ इसी चैनल पर अपने। वैसे मैंने बोला था कि मैं इस चैनल पर लाइव नहीं आऊँगी, अपने नए चैनल टॉक विद दिव्या पर आया करूँगी, बट फिलहाल थोड़ा सा मन कर रहा था आप लोगों से बात करने के लिए। और उसमें देखिए, लाइव में बोला और अभी तक देखा नहीं, उसमें थोड़े से ही सब्सक्राइबर हैं, कितने लोग मुझसे जुड़ते कितने नहीं जुड़ते, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने कहा उस पर नहीं, मैं इसी पर लाइव चली जाती हूँ। इस पर मुझे ज़्यादा फ्रेंड्स मिल जाएंगे और आप लोगों के साथ बात करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी और मुझे आप लोगों के साथ बात करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो बहुत अच्छा लगा बात करके। और जितने बार थैंक यू बोलूँ उतने बार कम है। थैंक यू सिर्फ इसलिए कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। आप लोग सच में बहुत अच्छे हो और अच्छे इंसानों को अपनी पहचान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो दूर से ही पता लग जाते हैं कि कितने ज़्यादा वो अच्छे हैं। और बेटू अभी तक नहीं जागी है, मैं लाइव में बात कर रही थी तब भी सो रही थी और अभी भी सो रही है। हो सकता है मैं बात कर रही हूँ तो वो जाग जाए, मुझे ऐसा डाउट है, क्योंकि वो जब मैं बात करती हूँ ना तब वो जाग जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रही थी, मैंने यही बात सेम लाइव में बोली है। खाना पीना सोना थोड़ा सा मेरा ऐसा ही हो गया था और ऑब्वियसली ये चीज़ जो भी माँ है वो अच्छे से समझ सकती हैं कि मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी इतना घटिया और इतना झूठा इल्ज़ाम सुनने के बाद। बट कहते हैं ना, सांच को आँच नहीं, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी। तो जो भी था बीत चुका है, ओवरऑल मैं आपको बता दूं। और इस वाले टॉपिक पे मैं लास्ट टाइम बात कर रही हूं और आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी, मिल तो गई होगी आप लोगों को। जो रोमी एम है जिनके बारे में मैंने वीडियो में बात की थी, अचानक से मैंने मेल चेक किया, मैं आप लोगों के कमेंट्स ही चेक कर रही थी, पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था और खुशी भी मिल रही थी साथ साथ। तो मेल पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने मेल ओपन किया तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के मेल पड़े हुए थे, तो अचानक से मुझे रोमी एम करके कुछ लिखा दिखा, मैं एकदम शॉक्ड रह गई। मैंने कहा रोमी एम मेल में कैसे लिख करके आ रहा है। फिर जब मैंने ये पेज खोला तो मुझे ये इतना, एक सेकेंड, ये देखिए इतना चिट्ठा, ये सिर्फ इतना ही चिट्ठा नहीं है, दूसरा ये है, चलिए मैं ऐसे करके क्या दिखाऊँ आप लोगों को। तो ये मैंने उनका एक पेज जो मेल का था वो मैंने पोस्ट कर दिया कम्युनिटी पे, क्योंकि वो मतलब क्या बोलूँ, अच्छा तो नहीं लगता है बोलने में, लिटरली पैरों में गिरी जा रही थी, मेरे गिड़गिड़ा रही थी पूरी तरीके से। रोमी एम को बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने जाना होगा, वो कितने ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा वो गंदी लैंग्वेज यूज़ करती थी। उन्होंने माफ़ी मांगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सारे ही लोग ये बोल रहे थे उन्हें माफ़ मत करो, वो ड्रामे कर रही हैं, वो ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, ये भी फेक आईडी होगी उनको, अब वो दूसरी आईडी से आपको गालियाँ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर मैंने सोचा यार चलो जाने देते हैं, 1.5 साल बहुत ज़्यादा वक्त होता है, 1.5 सालों में उन्होंने खुद अपने लिए इतने पाप कमा लिए हैं कि मेरे माफ़ करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं होता है। और जो नाम है वो अब मल्लिका शर्मा लिख करके आ रहा है, जो कि कोई भी गारंटी नहीं है कि ये रियल नेम है, ठीक है। पर कहते हैं ना, गिरे हुए को और क्या गिराना, जो ऑलरेडी से इतना गिरा हुआ है उसको और क्या गिराना। ये देखिए, तो ये टोटल 17 मेल इनके आ रखे हैं, इन्होंने इस तरीके से बोला, प्लीज़ आप चाहो तो मैं सेकंड मेल से आपसे स्टार्ट करूँ, प्लीज़ आप चाहो तो मुझे वीडियो में बेइज्जत कर सकती हो, आई रियली डिज़र्व इट, लेकिन प्लीज़ मुझे ट्रेस मत कराना, प्लीज़ सिर्फ
से मुझे नहीं मेरे घर वालों को भी सज़ा होगी उनकी खातिर। मैं मेंटली सिक औरत हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मेरा विश्वास करो। मैं सिर्फ अपनी दो मामियों की भड़ास आप पर निकाली और मैंने आपको गलती से कली पक्षाताप कर लिया था। और मैंने अपनी माँ की कसम खा के कह रही हूँ, मैं कल अपने पति को बोला मैं पश्चाताप कर रही हूँ, खुश हूँ, चैन से सोऊंगी, सुकून की नींद सोऊंगी। पता नहीं कैसे मुझे दिन ब दिन पता नहीं मैं कैसे दिन ब दिन गिरती गई। पहले जब मैं ट्रोल करती थी, धीरे 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 मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल कब गाली में बढ़ता गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं भगवान की शुक्र गुजार हूँ, मैंने आपकी वीडियो देखने से पहले, ये बोल रही हैं, रात 9 बजे ही अपनी आईडी डिलीट कर दी थी। मुझे नहीं पता था इतना गुस्सा हो जाओगे आप अच्छे हो, आप चाहो तो सारे स्क्रीनशॉट यूट्यूब पर डाल दो, मुझे बेइज्जती कराना चाहते हो, मेरी जितनी भी बेइज्जती कराना चाहती करा लो, मैं डिज़र्व करती हूँ और वही मेरा पश्चाताप होगा। पर मेरी फैमिली को सज़ा मिलेगी अगर मुझे ट्रेस किया तो। एंड प्लीज़ प्लीज़ दिव्या प्रांजल, आपको भगवान का वास्ता, मुझे माफ़ कर दो। मैं दलदल में चली गई थी, मुझे रियलाइज़ हुआ, पर मुझे ट्रेस मत कराओ, मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं मैरिड गर्ल हूँ, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए और इससे आगे मैं क्या बोलूँ। किसी ना किसी को तो ये पसंद करती होंगी जिसे ये बहुत मानती होंगी, तो आप खुद ही देख लो, सबूत आपके सामने है। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, कहते हैं ना भगवान हमेशा सच्चे लोगों के साथ होते, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। मेंटल बोलती थी, मुझे गालियां देती थी, मेरे पति को, बच्ची को, माँ को, सबको ये गालियां देती थी, मुझे मेंटल बोलती थी। और ये खुद कितनी मेंटल है, मतलब दूसरों को मेंटल बोलने वाला खुद क्या है, खुद आज इन्होंने अपनी जुबान से एक्सेप्ट कर लिया। तो आप लोगों का ये सवाल था क्यों माफ़ किया आपने, इतनी आसानी से क्यों माफ़ किया, तो कोई बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा है। और अगर ये अब फेक आईडी से करेंगी भी तो क्या बिगाड़ लेंगी मेरा, अब आप बताइए। 1.5 साल से ये बकवास कर ही रही हैं, तब क्या बिगाड़ लिया मेरा, एंड में आके मेरे ही पैरों पे गिड़गिड़ाना पड़ा इनको। रोमी एम, मैं फिर से नाम दोहरा रही हूँ इनका, मतलब ये तो कहते हैं ना अच्छे लोग अपने अच्छे कर्मों से पहचान बना लेते हैं और बुरे लोग अपने बुरे कर्मों से खुद ही अपनी पहचान बना लेते हैं। तो रोमी एम एक ऐसा नाम है जो मेरा वीडियो देखता है इस यूट्यूब पर, हर किसी के जहन में रहेगा रोमी एम। 1 साल का आतंक था इस लेडी का, लेडा है जो भी है इसका, तो आप ये समझ लो उसका अंत ये हुआ। कहते हैं ना घमंड तो रावण का भी नहीं चला, उससे बड़ा कौन होगा, वो तो बहुत महानी ज्ञानी बहुत बड़ा भक्त था, घमंड तो उसका भी नहीं चला। इनके कमेंट्स में भी बहुत घमंड झलकता था, वो सब हो गया है, चलिए अंत हो गया है। मैंने कहा था ना दिवाली तो बहुत बाद में आएगी, उससे पहले आता है दशहरा। दशहरा का रावण फूंकना तो बनता ही था, बुराई का अंत तो होना ही था। रोमी एम ने मेरा डिसीजन और ठोस कर दिया है कि ऐसे मेंटल लोगों पे अगर मैं ध्यान देने लगी तो मेरा लेवल क्या रह जाएगा सच में। और जितना दिया मैं उसके लिए पछता रही हूँ कि ये लोग हैं कैसे, इनका लेवल देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, इन्होंने खुद ही प्रूफ कर दिया इनका लेवल। सबसे पहला मैंने वीडियो बनाया था हेटर्स के लिए, उसका नाम था कविता जी, मैं दोबारा दोहराना चाहूँगी। उसकी अपनी खुद की तो शक्ल है नहीं, वो सिर्फ कार्टून का फेस लगाती है, कभी अमूल बटर वाले का लगा लेगी, कभी किसी का लगा लेगी, कभी किसी का लगा लेगी। उसको मैंने लताड़ा था, 1.5 साल 2 साल होने वाला है, उसने भी मेरी माँ को बेशरम बेशरम बोल करके कि बेटी के घर रहती बेशरम बेटी कह कह के, जब मेरे सुन सुन के कान पक गए तब मैंने उसको लताड़ा था कि मतलब लिमिट ही क्रॉस कर दी। तो वो वीडियो 2 साल पहले मैंने कविता जी के लिए बनाया था। तो ये ऐसे लोगों की बिल्कुल दम नहीं होती। फिर उन्होंने आके सॉरी भी बोला था मुझसे, कविता जी ने आकर के सॉरी भी बोला था, बट ऐसे लोग सुधरते नहीं हैं, सही बताऊं बिल्कुल नहीं सुधरते, ऐसे लोग महा बेशरम होते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुधरते हैं, सच बता रही हूँ। तो मैं बहुत चीप लेवल की हो जाऊंगी अगर इन लोगों पे ध्यान दूँ। और अब मैं आती हूँ अपनी बात पे। जब मैंने बेटू का वीडियो डाला, बेटू का वीडियो डालने के बाद और डालने से पहले सारी फैमिली मेंबर्स, मेरे सारे इन लॉज से मेरी बात हुई थी। सौम्या से तो 2 दिन लगातार कंटिन्यू मेरी 2 दिन लगातार चैटिंग हुई थी। एक USA वाली सिस्टर इन लॉ है, उनसे मेरी बात हुई थी 15-20 मिनट। मेरे चाचा ससुर हैं, उनसे मेरे आधे घंटे बात हुई थी। मेरी चाची सास से बात हुई थी। मेरे खुद के फादर इन लॉ का कॉल आया था जब मैंने वीडियो वो पोस्ट किया था कल वाला। उसके बाद शाम को कल मेरे पास कॉल आया, आधे पौन घंटे मेरे ससुर जी ने, जो मेरे रियल ससुर जी हैं, उन्होंने मुझसे बात की आधे घंटे। सपोर्ट करना ये होता है, सबने मुझसे बात की, बस मैं फीलिंग ब्लेस्ड। इसको जितने भड़काऊ कमेंट करने हैं करते रहें, भड़काऊ
जो भी करना है करते रहें। अब वो सिर्फ और सिर्फ उनकी बातें और गली के भौं भौं करने वालों में कोई अंतर नहीं है। रोमियम ने बचा कुचा, रोमियम ने प्रूफ कर दिया, अब तो प्रूफ हो चुका है। सच में मैं ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। पूरी फैमिली मेरे साथ है, सब कोई मेरे साथ है। मेरे फादर इन लॉ मेरे घर आने वाले थे यहाँ पर नोएडा, बट वो इस वजह से नहीं आए क्योंकि इनकी मौसी हैं, उनके बेटे की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। उनको 8-9 महीने से कुछ प्रॉब्लम थी पेट में, गांठ वगैरह की, तो वो गांठ बढ़ गई है, तो उनका अर्जेंट में ऑपरेशन था। तो इसी वजह से मैंने लाइव में बताया था। कल सुबह ही आनंद फानंद में मेरे हस्बैंड आगरा निकल गए हैं। लास्ट में एक बात, जो इंसान बात का नहीं मरा वो लात से क्या मरेगा। बस इसी स्टेटमेंट के साथ मैं आज से, अभी से, यहीं से इन मेंटल लोगों का किस्सा ख़त्म करती हूँ और अपनी लाइफ को फुल इंजॉय करती हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, चलिए, बाकी आप लोगों का साथ है, प्यार है। और फिलहाल मम्मी खाना बना रही हैं और मम्मी ने बोला आज तुम रेस्ट करो, मैं खाना बनाती हूँ। तो अभी देखती हूँ क्या है क्या नहीं, उनकी थोड़ी सी हेल्प करवाती हूँ। एंड अगेन लव यू ऑल, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, हो सकता है सुबह मिलूँ और मैं इनसे बात कर लेती हूँ। इनका मतलब बहुत बार वीडियो कॉल आ चुका है वहाँ से, बहुत बार ये बता चुके हैं। मुझे बहुत टेंशन है उनकी, भैया जल्दी से ठीक हो जाए, आप लोग भी प्रे करना। और बस यही है, चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। एक चेक डालने के बाद ये हाल है और दोनों मैं डाल नहीं सकती हूँ क्योंकि आपको पता है एसी एक बार ख़राब हो चुकी है, तो एक चेक खोले रखना मेरे लिए मजबूरी है, तो एक ही डालती हूँ अभी। ये देखिए सारा काम घर के हो गए। मैंने कहा थोड़ी सी बात करती हूँ आपसे, ज़्यादा एक टेंशन थी माइंड में। ऑब्वियसली किसी को कुछ होता है तो बुरा तो लगता ही है फैमिली में, तो जब तक उनको ऑपरेशन रहा बहुत टेंशन थी दिमाग में, ऊपर से हमें अपनी पर्सनल टेंशन थी, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी वो ठीक है एकदम से। मौसी जी भी बहुत परेशान लग रही थी, जब ऑपरेशन होने जा रहा था तो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा था। यस ऑब्वियसली अपने बच्चे के लिए सबको ख़राब लगता है, बच्चे चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, है ना, चाहे बच्चों के बच्चे हो जाए तब भी माँ के लिए तो बच्चा बच्चा ही रहता है। उसको कोई तकलीफ़ होती है तो सबसे ज़्यादा दुख माँ को होता है, तो मैं समझ सकती हूँ। तो मौसी की आवाज़ एकदम डाउन लग रही थी और उनको आप लोग ब्लॉग्स में तो देख ही चुके हो, वो बहुत ही मतलब वैसे हंसमुख नेचर की हैं, वैसी नहीं है।
तो चलिए कोई नहीं, अभी सब ठीक है, जो था वो बीत गया। मैं आप लोगों के कमेंट्स ही रीड कर रही थी, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हो आप, सच में मेरा दिल इतना खुश हुआ जा रहा है। हजारों की तादाद में इतने प्यारे मैसेज मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और चीटी भर है, चीटी भर से भी कम मतलब जो हेट कमेंट है वो आए हैं, एक दो करके। मुझे जरा से भी कोई टेंशन हुई या कुछ हुआ, मैं सोच गई तो मेरा सर एकदम फटने को आता है। इन दिनों में कुछ मेरे जो साइलेंट सब्सक्राइबर है, जिन्होंने मुझे 1.5 साल 2 साल इनफैक्ट 1 साल या 8-10 महीने से मुझे फॉलो किया है, उनके भी मुझे भर भर के कमेंट आए। मतलब उन्होंने भी कभी मुझे कमेंट नहीं किए इतने सालों से, पर वो वीडियोज़ देख करके उनके भी कमेंट आए तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। उन सभी को दिल से थैंक यू। एक सेकेंड, मेरी सिस्टर इन लॉ का मैसेज आ रहा है, मैं देखती हूँ। अच्छा, धूप की डायरेक्शन चेंज हो गई है, ये पहले यहाँ इस तरीके से नहीं आती थी, क्योंकि कहते हैं ना जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं धूप की डायरेक्शन भी चेंज होती जाती है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, यहाँ पे सर्दियों में इतनी मज़ा आने वाली, इतनी रौनक लगने वाली है यहाँ पे। यहाँ पे रौनक तो हर जगह मतलब रहती है, मेरे घर से मेरी मतलब यहाँ के जो माहौल है मेरे घर से तो निगेटिविटी बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा ही दूर है। घर में तो निगेटिविटी का सवाल ही नहीं उठता, थोड़ी बहुत हाँ माइंड में आ जाती है टेंशन की वजह से, तो उसको भी मैं भगा देती हूँ। चलिए, थोड़ी बहुत टेंशन तो लाइफ में लगी रहती है, अगर टेंशन ना हो तो फिर जो खुशी मिलेगी उसका मज़ा कैसे दुगना होगा। जब आपको खुशी मिलती है तो वो आप एक नॉर्मल इन्जॉय करते हो, ठीक है, फिर जब कुछ टेंशन के बाद आपको खुशी मिलती है ना, तो खुशी की खुशी 10 गुना बढ़ जाती है, आप ये सोच लो। और देखा जाए तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही, मैं बताऊँ, मेरे जो मीरा और इनका रिश्ता है ना, वो शायद इतना मजबूत नहीं हो पाता, तो इन सारी चीज़ों की वजह से और ज़्यादा मजबूत हो गया है, बहुत मजबूत हो गया। कहते हैं ना, एक मैंने डाला भी था कि कुछ तूफान, हर तूफान जिंदगी को उजाड़ने नहीं आते, कुछ आपका रास्ता भी साफ करने आते हैं। सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मीशो ऐप को डाउनलोड कीजिए और स्टार्ट करिए आज से ही अपना ऑनलाइन रिसेलिंग का बिजनेस। अगर किसी कस्टमर्स को प्रोडक्ट नहीं पसंद आता है तो विदाउट एनी चार्जेस वो 7 दिनों के अंदर अंदर इसको रिफंड कर सकता है। डिस्क्रिप्शन से मीशो ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्रोडक्ट को शेयर करिए और अपना प्रॉफिट अर्न करिए।